नमस्कार, मैं हूं आप सभी के दोस्त डॉक्टर शिवांगी मलेटिया। आपके इस मुश्किल समय में मैं आपके साथ आजकल आए दिन नई नई कुछ ऐसी सिंपल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली ध्यान क्रियाएं शेयर कर रही हूं, जिससे कि आप बहुत जल्द अपने जीवन को एक सकारात्मक सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। कुछ ऐसी ही एक क्रिया लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इस क्रिया का नाम है द साउंड ऑफ साइलेंस। आजकल हम जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं, स्पेशली इस कोरोना काल में, बहुत ही डिफिकल्ट है हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और कहीं ना कहीं चारों तरफ चल रही ये लगातार खबरों का सिलसिला, हर तरफ दुख में डूबे हुए लोगों को देखना, उन्हें सुनना, स्वयं भी बहुत बड़े बड़े दुखों का सामना करना, अपने प्रियजनों को खोना, हर इंसान के ऊपर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव लेकर आया है। इस दौरान जरूरी है कि हम अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ जाएं, हम दोबारा से वही माइंड बॉडी और सोल बैलेंस को अचीव करने की कोशिश में लग जाएं, जिससे कि हम एक संतुलित तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं, ना केवल अपने लिए बल्कि अन्य के लिए भी, जिनके लिए हमारा होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। जरूरी है कि हम अपने मन को एक ऐसी समभाव में लेकर आ पाए जहां से लिया हुआ हर फैसला ईश्वरीय तालमेल के साथ इन सिंक बनाएगा, हारमोनियस रहेगा, ना केवल आपकी जिंदगी के लिए बल्कि चारों तरफ के लोगों की जिंदगियों के लिए। ऐसे में यह प्रक्रिया बहुत ही सुंदर रिजल्ट ला सकती है, द साउंड ऑफ साइलेंस। ज्यादातर हमारे चारों तरफ जितनी भी साउंड्स होती हैं, वो दो चीजों के टकराने के कारण बनती हैं, जैसे क्लैपिंग या फिर किसी का कुछ कहना, किसी जानवर की आवाज, किसी पक्षी का चहचहाना, पत्तियों का सरसराना, हवा की आवाज जब वो अलग अलग चीजों को छूकर सरसराती है, निकलती है। हर चीज कहीं ना कहीं दो अणुओं के आपस में टकराने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी आवाज है। लेकिन एक और आवाज इन सभी आवाजों के पीछे लगातार निरंतर चल रही होती है, कुछ इस तरीके से। इसे हिंदुत्व में ओम का नाम दिया गया है, आओम का नाम दिया गया है। योगा क्षेत्र में इसे आओम, इस तरीके की आवाज का नाम दिया गया है। इसे ब्रह्म नाद भी कहा जाता है। यह आवाज टकराव की वजह से नहीं बल्कि साइलेंस की, शांति की आवाज है। और जब हम अपने चारों तरफ चल रहे हर आवाज को एक एक कर निष्कासित करते चले जाते हैं, यानी निगेट करते चले जाते हैं, धीरे धीरे हम इस ब्रह्म नाद तक पहुंच जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस ब्रह्म नाद को जितनी देर तक हो सके अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाएं, अपने रोजाना के डेली शेड्यूल्स का हिस्सा बनाएं। इस तक पहुंचने के लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने आप को किसी भी एक साइलेंट जोन में सेक्लूड करें, दिन में 3 से 4 बार। वह साइलेंट जोन कुछ भी हो सकती है, आपका ही अपना कोई एक शांतिमय स्पॉट हो सकता है, आपका वॉशरूम हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी हो सकती है, आपकी छत हो सकती है, जहां पर आपको जितना हो सके केवल प्राकृतिक आवाजों का ही एक सामना करना पड़े। धीरे धीरे करके आप कहीं पर बैठकर हर एक आवाज को निगेट करना शुरू कीजिए, चाहे वो पक्षियों का चहचहाना हो, उसे साइडलाइन कीजिए, दूसरी आवाज सुनिए, शायद दूर कोई कुत्ता भौंक रहा है या कोई बिल्ली बोल रही है, उसे आप साइड में कीजिए और ध्यान से सुनिए,
पेड़ों के पत्तों की सरसराहट आपके कानों में आएगी, बहती हुई हवा की सरसराहट आपके कानों में आएगी। उसे आप एक एक करके निगेट कीजिए और डीप जाइए। आंखों को इस प्रक्रिया के दौरान अगर बंद रखेंगे तो आप और ध्यान से और जल्दी ब्रह्मनाद तक पहुंच पाएंगे। और ध्यान से सुनिए, एक समय आएगा आपको अपनी खुद की सांसों की आवाज सुनाई देगी, उसे निगेट कीजिए और ध्यान लगाइए, डीप उतरिए। आपको अपने ब्लड फ्लो की आवाज सुनाई देना शुरू होगी, कैसे आपका खून गोते खा रहा है आपके शरीर में, आपको महसूस होगा, सुनाई देगा। उसे भी आप निष्कासित कीजिए और गहराई में उतरिए। अपने कानों को, अपने अंदर उठ रही आवाज को और गहराई से उठने का मौका दीजिए। जब और गहराई में हम उतर कर सुनने की कोशिश करते हैं तो एक समय आता है हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता और फिर अकस्मात ही ब्रह्मनाद शुरू हो जाता है और हमें समझ आता है कि दिस इज द साउंड ऑफ साइलेंस। ये किसी भी दो चीजों के टकराने की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि ये अपने आप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की आवाज है, ब्रह्मांड के होने की आवाज है। एक सुंदर संगीत सा वो आपके कानों में लहलहाएगा। इस संगीत को आप जितना हो सके अपने एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे ब्रह्मांड की कामनेस, उसका तालमेल, उसकी हार्मनी आपके लाइफ में उतरना शुरू करती है, आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी। बहुत जल्दी चारों तरफ के भीड़ भाड़ में, चारों तरफ के लगातार चल रही बातों के अंदर भी आप उस ब्रह्मनाद को सुनने की क्षमता पैदा कर पाएंगे। अपने जीवन के हर फैसले में उस ब्रह्मनाद से उठती हुई शांति को आप जोड़ पाएंगे और उस फैसले को सुंदर बना पाएंगे, सही बना पाएंगे, ईश्वरीय तालमेल के साथ उसे बिठा पाएंगे। इस तरीके से अपने जीवन में साउंड ऑफ साइलेंस को आप इनकॉर्पोरेट करें, अपने आप को मौका दें इस साउंड ऑफ साइलेंस का हिस्सा बनने में। यह आपको आपके हर तरीके के नेगेटिव विचारधारा से कोसों दूर ले जाएगा, आपको डिविनिटी का एहसास दिलाएगा, आपको ये विश्वास होता चला जाएगा कि सब कुछ ईश्वरीय तालमेल के हिसाब से ही हो रहा है। बहुत सी अनकही बातें आपको समझ आनी शुरू होंगी और आपका जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू होगा। आशा करती हूँ द साउंड ऑफ साइलेंस का ये छोटा सा उपचार आपके जीवन को बदलने में, एक सुंदरतम जीवन बनाने में सक्षम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे आगे बढ़कर शेयर कीजिए। साथ ही साथ YouTube, Facebook, Instagram एंड Twitter पर डॉक्टर शिवांगी मलेटिया मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा क्वींस परिवार आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। प्लीज आइए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।